अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेटलाइजेशन किया तो मेटलाइजेशन करने के बाद क्या प्रॉब्लम जनरेट होती है, प्रॉब्लम जो जनरेट होती है जब हम मेटलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। हमने कहा था कि हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे, डिस्कस किया था कि जो सेकेंड मेथड स्कूपिंग मेथड, स्कूपिंग मेथड के केस में हमने देखा था कि हमारे पास एक वीक सब्सट्रेट या हमारे पास हमने एक सेक्टर था जिस पे हमने क्या किया कि वेफर को प्लेस कर दिया। वेफर को प्लेस करने के बाद हमारे पास वीक सोर्स मेटल, वीक सोर्स डिस्क थी सिंपली उसको मैटेरियल जब हम डिटेल में हम वहां से हम बम्बार्डमेंट करवाते थे और मैटेरियल का क्या कि सोर्स मैटेरियल जो हमारा वेफर था वेफर का कलेक्ट हो गया एक थिन फिल्म लेयर क्रिएट कर ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था और उसमें हमने ये देखा था कि हम कोसाइन रूल का यूज करते हैं जिससे जो है फॉर्मेशन इजी हो जाता है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर हम सर्कल को या सिंपल सर्कल को हम स्फेरिकल सर्फेस पे स्फेरिकल सर्फेस पे बेस कर दें तो इससे जो फॉर्मेशन होता है लेयर का वो भी पूरी तो हमने कहा था यहाँ तक का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। दो मेथड थे हमारे पास, एक तो ये ऑपरेशन टेक्निक वेक्टर ये ऑपरेशन टेक्निक दूसरा स्कूपिंग और उसके बाद आता था पैटर्न एनालिसिस मेटलाइजेशन पैटर्न। अब एक बार जब हमने थिन फिल्म जनरेट कर लिया तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि थिन फिल्म से थिन फिल्म से इंटरकनेक्शन होना। ये तो जब हम लेयर क्रिएट करते हैं होल सर्फेस पे लेयर क्रिएट होता है इसमें क्या करते हैं इचिंग प्रोसेस होता है। इचिंग प्रोसेस में क्या करते हैं सेलेक्टिवली पोर्शन को हम क्या करते हैं रिमूव करते हैं। तो जो सेलेक्टिव रीजन होता है कि किस पोजीशन से मेटल को रिमूव करता है किस पोजीशन में कनेक्शन होगा ये जो प्रोसेस होता है तो वी हैव टू फॉलो इन स्टेप बाय पैटर्न में जो फिल्म होती है उसके बाद हम फर्दर रीचिंग कर सकते हैं और रीचिंग में क्या करते हैं कि पोर्शंस को हम रिमूव करते हैं जो मैटीरियल होता है मैटीरियल हम क्या करते हैं सेलेक्टिव मैटेरियल को लेना क्योंकि ये यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है वो हमारा होता है मेटलाइजेशन पैटर्न या सिंपली इंटरकनेक्शन। अब हम बात ये करेंगे कि जब हम कहते हैं परफॉर्म कर रहे हैं मेटलाइजेशन मेटलाइजेशन में प्रॉब्लम जनरेट आज का जो थोड़ा डिस्कशन होगा वो बेसिकली प्रॉब्लम किस तरीके से मेटलाइजेशन करते हैं क्योंकि मेटलाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम जनरेट होती है तो प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद मेटलाइजेशन क्या प्रॉब्लम मेटलाइजेशन में जनरेट होती। जब हम बात करते हैं कि जब हम मेटलाइजेशन करते हैं तो हमारे पास बेसिकली जो दो प्रॉब्लम जनरेट होती है देयर आर बेसिकली टू प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद मेटलाइजेशन। एक फर्स्ट है जंक्शन में स्पाइकिंग और दूसरा इलेक्ट्रोमाइजेशन। इन दोनों प्रॉब्लम पर हम डिस्कशन करेंगे और इनको प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए फर्दर डिस्कशन होगा कि क्या हम ऐसा किया जाए क्या टेक्नोलॉजी है क्या उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं क्या मैटेरियल यूज करने के जिससे जो ये प्रॉब्लम चल रहे होंगे जनता और इलेक्ट्रोमाइजेशन। अगर हम जनता की बात करते हैं बेसिकली क्या होगा अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा एक्चुअल में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं ये ऐसा फॉर्मेशन का और यहाँ पे ऐसा चीज है यहाँ
आपने मेंशन किया है, और ये हमारे पास ऑक्साइड लेयर है। अब होता क्या है कि जैसा स्पाइक में केस में बेसिकली क्या होता है कि जब हम मेटलाइजेशन करते हैं कि जो हमारे पास एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम क्या करता है कि लिटिल अमाउंट में लिटिल अमाउंट से 0.5% बाय वेट 5% बाय वेट एल्यूमिनियम एब्जॉर्ब होता है, एसोसिएट हो जाता है सिलिकॉन से। ये जो हमारे पास सोर्स मटेरियल है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या करता है जो हमारे पास स्टेट है, तो स्टेट से 0.5% बाय वेट एल्यूमिनियम को एब्जॉर्ब होता है। जब ऐसे कंडीशंस होती है एब्जॉर्ब का संबंध मतलब कि डिसॉल्व हो जाता है एल्यूमिनियम। अब जब ऐसा होगा और ये कहां से एब्जॉर्ब करता है या डिसॉल्व होता है वो जंक्शन जो हमारे पास यहाँ पे जंक्शन का प्रॉब्लम है। इससे क्या होगा कि जो जंक्शन होता है वो ऐसा लेयर स्पाइक टाइप का जनरेट हो जाता है। इससे यही प्रॉब्लम इसमें एसोसिएट होती है जंक्शन स्पाइक। इसका हम डिस्कशन अभी फर्दर आगे करते हैं, इसको रिमूव करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, जब इनिशियल स्टेज पे निकाली जाता है से थोड़ा सिलिकॉन हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अब सिलिकॉन कंपनसेट होता है, एब्जॉर्ब होता है, डिसॉल्व होता है, वो कंपनसेट होता है ये सिलिकॉन। अब सेकेंड प्रॉब्लम जो जनरेट होती है इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन, इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन की बात करें बेसिकली क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो जो हमारे पास चार्ज कैरियर होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और उससे इनका मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो इस चीज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरर में डिस्कस करेंगे और उसको फर्दर करेंगे। ये हमारा जो है लास्ट इशू था। अब हम इसके वन बाई वन इसके डिस्कशन करते हैं क्योंकि बिना हमारा डिस्कशन का पॉइंट वो हमारा क्या है जंक्शन स्पाइकिंग। तो अब हम स्टार्ट करोगे कि जो जंक्शन स्पाइकिंग का केस है वो क्या है, ये कुछ है ऐसा। पहला हमने तो अभी जंक्शन स्पाइकिंग की बात की, तो लेट अस वी हैव पीएन जंक्शन, लेट अस वी हैव पीएन जंक्शन ये बात करते हैं। ये हमारे पास बेसिकली अगर हम बात करें कि ये ऐसा कुछ पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर माना नहीं था। अब स्ट्रक्चर का एक बार फॉर्मेशन ये हम बेसिकली थ्री टाइप का निकल जाता था और विषय होता था कि हमारे पास थ्री टाइप होते हैं इसलिए कर रखते हैं और ये जंक्शन का नाम फॉर्मेशन। अब ये है कॉन्टैक्ट विंडो, हमने यहाँ पे मेटलाइजेशन परफॉर्म किया, यहाँ पे लिखा हुआ कि कॉन्टैक्ट विंडो ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड लेयर ये कॉन्टैक्ट विंडो। अब जब हम क्या करते हैं वी पुट मेटल ऑन पी रीजन, वी पुट मेटल ऑन पी रीजन कि अब हम जब मेटलाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं मेटलाइजेशन के केस में क्या होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम मेटल को क्या करते हैं पी रीजन में लेफ्ट में या मूवमेंट करते हैं। ये जो हमारे पास कॉन्टेक्ट बिंदु है यहाँ पे हम क्या करेंगे मेटलाइजेशन करेंगे, यहाँ पे हम मेटल को कनेक्ट मेटल आने पी रीजन। अब जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो ये क्या होता है कि जो हमारे पास मेटल एल्यूमिनियम है वो सिलिकॉन को एब्जॉर्ब करता है जो बेस मटेरियल है, और अभी तो ये हमारे पास
साइलो जंक्शन है वो स्पाइक जनरेट कर देता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर मेंशन है 450 डिग्री सेंटीग्रेड एल्युमिनियम डिसॉल्व 0.5% बाय 0.5% ऑफ सिलिकॉन बाय दी। अब हमने कहा कि होता क्या है जब हम एडिशन परफॉर्म करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि एल्युमिनियम कौन कहता है एल्युमिनियम लो करवाते हैं या उसी मेथड से हम नंबर थ्री करवाएंगे या वीडियो ऑब्जेक्शन मेथड से हम ऑपरेट करके कलेक्ट करवाएंगे विंडो में। होता क्या है कि ये विंडो के स्मॉलर जंक्शन स्मॉलर साइलो जंक्शन हुआ मिनिमम अब ऐसा यहाँ पे बड़ा दिख रहा है एक्चुअली बहुत छोटा साइज होता है तो अब ये एकदम से लिटिल होगा मतलब स्मॉलर की विड्थ होगी। तो अब इसी में से क्या करता है जो सिलिकॉन है ये यहाँ से डिजॉल्व होता है यहाँ से 0.5% बाई वेट सिलिकॉन ही डिजॉल्व होता है हो जाता है एल्युमिनियम। तो इससे क्या होगा कि अब जो हमने जंक्शन से आया जंक्शन ऐसा बना हुआ था जंक्शन पूरा अब ये ऐसा क्रिएट हो जाता है स्पाइक टाइप का जंक्शन और ये क्योंकि यहाँ से जो सिलिकॉन है वो डिजॉल्व और ये यहाँ पर जो है कंडीशन ये हम देख रहे हैं। इफ द कॉन्टैक्ट विंडो इज स्मॉलर इफ द कॉन्टैक्ट विंडो इज स्मॉलर एंड जेंसन इज शैलो देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ जेंसन तो हम क्या कह रहे थे कि हम अभी बात कर रहे थे कि इफ द कॉन्टैक्ट विंडो इज स्मॉलर एंड जैसा भी शेयर मतलब कॉन्टैक्ट विंडो छोटा था मतलब पहले ये स्मॉल डिस्टेंस था इसके बीच में और सैलो जंक्शन है तो देयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जंक्शन स्पाइक। तो यहाँ पे क्या होता है जंक्शन स्पाइक होने की प्रोबेबिलिटी होती है और ये प्रोबेबिलिटी क्यों होती है क्योंकि यहाँ से जो सिलिकॉन होता है यहाँ से इस प्रॉब्लम को हमें रिमूव करना है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे डिस्कशन करते हैं कि हाउ टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ जंक्शन स्पाइकिंग कि जंक्शन स्पाइकिंग को हम कैसे रिमूव करें। तो हमने कहा था कि बेसिकली क्या है वो क्या है कि जो सिलिकॉन है सिलिकॉन डिजॉल्व हो जाता है अगर सिलिकॉन डिजॉल्व हो जा रहा है एक्स्ट्रा सिलिकॉन ऐड कर दे तो ये प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगा। वो तो यही कहना कि 0.5% by weight resolve हो रहा जिसके वजह से spike create हो रहा है जिसकी वजह से ऐसा कुछ होने रहा था। तो अगर हम पहले से ही silicon भी off कर रहा था little amount में 0.5% by weight silicon और लेकिन source material के साथ add कर रहा तो ऐसी condition changes भी हुई। तो यही हम discuss करेंगे। Now the question is how to reduce the problem of tension spike. Initially during the magnetic potential did not deposit it in the cell aluminium. पहले हम क्या कर रहे थे पहले हम प्योर फॉर्म सिलिकॉन का यूज कर रहे थे प्योरली एल्यूमिनियम मेटल का यूज कर रहे थे डिपोजिशन। अब हम क्या करेंगे उसमें लिटिल अमाउंट में सिलिकॉन ऐड कर देंगे जितना हमारा सिलिकॉन यूज होगा। एल्यूमिनियम मस्ट हैव लिटिल बिट ऑफ सिलिकॉन मिक्स्ड। अब हमने क्या किया कि जो पहले प्योर फॉर्म सिलिकॉन था उसमें मैं एल्यूमिनियम मिक्स तो एल्यूमिनियम अगर मिक्स कर दे रहे हैं
अब अगर जब हम डिपोजिशन करेंगे एल्यूमिनियम का तो जो जंक्शन से 0.5% माइनेट सिलिकॉन डिसॉल्व हो रहा है वो सिलिकॉन कंपनसेट हो जाएगा। इससे जो हमारे पास इनिशियल एल्यूमिनियम के साथ सिलिकॉन है तो जो ये स्पाइकिंग की कंडीशन होती है ये स्पाइकिंग की कंडीशन रिमूव हो जाती है। सो द डिपॉजिटेड मेटल है ऑलरेडी सम अमाउंट ऑफ सिलिकॉन। अब वो बात आ रही है कि जो डिपॉजिटेड मेटल है ऑलरेडी सम अमाउंट ऑफ सिलिकॉन कि जब हम एल्यूमिनियम के साथ ऑलरेडी सिलिकॉन ऐड कर रहे हैं तो वो सिलिकॉन क्या होगा कंपनसेट करते हैं। When the temperature, when at 450 degree, when the temperature, when at the temperature, we will see happening. When at temperature 450 degrees centigrade, when it starts to dissolve 0.5% of silicon, the silicon is supplied from the aluminium. कि जब ये डिसॉल्व होता है जैसे हमने कहा कि हम जब प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं एल्यूमिनियम की लेयर फिल कर रहे हैं 0.5% बाय वे डिसॉल्व हो रहा है तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सिलिकॉन की रिक्वायरमेंट होगी वो सिलिकॉन वो सब्सट्रेट से ना लेके ऑलरेडी जो हमारे पास सिलिकॉन होगा इनिशियल सोर्स मटेरियल के साथ वहां से कनेक्ट करेगा वहां से सप्लाई हो जाएगी जिससे जो जंक्शन स्पाइकिंग की कंडीशन के लिए रिमूव हो जाए। इट डज नॉट नीड टू टेक द सिलिकॉन फ्रॉम द सब्सट्रेट। जैसा कि मैंने कहा कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सिलिकॉन है सिलिकॉन के लिए सब्सट्रेट से कनेक्ट करिए सब्सट्रेट से जाइए। सो वन पॉसिबिलिटी इज दैट द मेटल मस्ट कंटेन सम अमाउंट ऑफ तो ये पॉसिबिलिटी यही है कि अगर हम जंक्शन स्पाइकिंग को रिमूव करते हैं तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इनिशियली स्टेज पे हम क्या करेंगे कि थोड़ा सिलिकॉन जो है हम सोर्स मेटल या एल्यूमिनियम के साथ फ्लो करवाएंगे कि जिससे वो कंडीशन होंगे ना। अब इसमें अभी प्रॉब्लम जब हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं पी टाइप कोटिंग कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम ऑलरेडी इसमें होता है वो एक प्रॉब्लम ऑप्शन होता है। यूजुअली वी हैव एल्यूमिनियम विद द सिलिकॉन ग्रेटर देन 1/1 तो ये बात करता है कि ये कंडीशन होने के लिए कि जो सिलिकॉन हो रहा है 1/1 एल्यूमिनियम अब एक और प्रॉब्लम इसमें जल्दी प्रॉब्लम की बात हम लोग कर लेते हैं बट देयर इज ए स्मॉल प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम एल्यूमिनियम डोपिंग वाली बात करते हैं तो एल्यूमिनियम है सर एज द एल्यूमिनियम इज नॉट ओनली यूज टू फॉर्म द कॉन्टैक्ट फॉर द पी टाइप सिलिकॉन बट ऑल्सो यूज फॉर द हाइब्रिड डोपिंग दो द एन टाइप सिलिकॉन। जब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम का तो अभी तो हमने कहा कि एल्यूमिनियम का यूज हम किस लिए कर रहे हैं एल्यूमिनियम का यूज हम केबल कर रहे हैं मेटलाइजेशन के लिए कनेक्शन के लिए पोर्ट को पोर्ट को या टर्मिनल्स को टर्मिनल से कनेक्ट करने के लिए हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं एन टाइप सिलिकॉन के डोपिंग में। लेट वी हैव लेट वी have had we doped the excess region on which we have to put aluminium with silicon for the moment. अब हमने कहा कि जो है हमने n plus region में doping कर दिया और heavy doping की तो वहाँ पे क्या होगा aluminium on which have to put the aluminium with the SI to form the moment. तो इस केस में हम क्या करते हैं कि aluminium put करते हैं ओमिक कॉन्टैक्ट के ऊपर the aluminium is already having in SI the p type silicon in it. अब ये कहता है कि जब हम metallization की बात करते हैं हमारे पास तो already aluminium p type silicon
So in case, so in this case we may again have P and D. So in this case we have a P and D. So for this problem, instead of using aluminium with the silicon, first we use novel metal silicide. So hum pehle silicide ka use kar lenge, step by step formation kar lenge, aur we factory iske baad metal ka kar lenge aur fir aluminium ka deposition. Ye problem ko ye ready ho jayega. So first deposit at palladium silicide. उसके बाद हम एल्यूमिनियम टेस्ट करेंगे. नाउ इफ वी पुट एल्यूमिनियम ऑन दिस सिलिसाइड द एल्यूमिनियम विल स्टिल कीप ईटिंग द सिलिकॉन फ्रॉम दिस सिलिसाइड. अब हमने कहा कि जब हम पहले एक बार जो है सिलिसाइड लेयर क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद हम एल्यूमिनियम का लेयर क्रिएट करेंगे तो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जो है to use it. So refractory after metal barrier is placed on the top of the cell. So यहाँ पे refractory. और तो formation के division में यहाँ पे एक barrier create हो जाएगा. Metallic barrier create हो जाएगा. Metal barrier is placed on the top of the cell. मतलब जो layer हमने इस side create किया है उसमें एक layer create हो जाएगा. Understand? After deposit aluminium on, after that deposit aluminium on the metal barrier. उसके बाद हम क्या करते हैं? जो ये metal barrier होगा, इसपे हम aluminium को deposit करते हैं. This is called multi-level contact metallization. आप मुझे एक बात बता देना है, multi-level metallization. क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने metallization को किया, फिर से हमने क्या किया? एक लेयर और एक्स्ट्रा हमने की. तो देयर आर थ्री लेवल्स. अब जो फॉर्मेशन होता है वो थ्री स्टेप का होगा. मतलब कि पहले क्या करते थे, हम एल्यूमिनियम का लेयर क्रिएट कर दिया, एल्यूमिनियम के साथ में सिलिकॉन ऐड कर दिया और फॉर्मेशन हो गया, मेटालिक लेयर क्रिएट हो गया. इसलिए हमने कहा कि इंटरकनेक्शन हमने परफॉर्म कर दिया. लेकिन जो जंक्शन स्पाइकिंग की प्रॉब्लम थी, एल्यूमिनियम ऑलरेडी हमारे पास थी, जो मटेरियल भी प्लेस था, उस चीज को रिमूव किया हमने मल्टी लेवल कॉन्टैक्ट मेटलाइजेशन. तो अब हम क्या करते हैं, पहले मेटेलिक लेयर में क्रिएट करते हैं. क्या करते हैं? पहले नोबल मेटल सिलिसाइड का हम क्या करते हैं, लेयर क्रिएट करते हैं. जब हम एक बार सिलिसाइड लेयर क्रिएट कर लेंगे फिर रिफैक्टरी आप नहीं करते. फिर हम क्या करते हैं कि जो सिलिसाइड लेयर है वहाँ से हम एक मेटेलिक बैरियर क्रिएट कर देते हैं. और उसके बाद क्या करते हैं, जो लास्ट स्टेज होता है थर्ड स्टेज, उस पर हम क्या करते हैं कि मेटलाइजेशन परफॉर्म करते हैं, एल्यूमिनियम का लेयर क्रिएट करते हैं. ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा सिंपली था जंक्शन स्पाइक. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं जिसमें है इलेक्ट्रोमाइग्रेशन. तो इलेक्ट्रोमाइग्रेशन हमने जैसा पहले ये बताया बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. जब ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है इसमें क्लियर कट मेंशन है वी हैव मेटल लाइंस एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरियर कर रहे हैं. अब हमने कहा कि हमने लेयर क्रिएट किया तो हमारे पास मेटेलिक सरफेस होगा और उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर करें. जब हम उसके करें अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होगा, कैरियर का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन आर मूविंग अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने कहा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उस केस में हमारे पास कैरियर होगा, कैरियर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा. द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड फास्टर विल बी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑब्वियसली बात कि जितना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा उतने ही फास्टर हमारा जो चार्ज कैरियर में चार्ज कैरियर का मूवमेंट होगा. ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दे मे कोलाइड विद अ पॉजिटिव आयन एंड ट्रांसफर द मूवमेंट टू द मेटल आयन. अब अगर ऐसा कंडीशन होगा तो ये जो मेटल आयन उनसे कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा और जो अपना एनर्जी है या सब जो मोमेंटम की बात करें ये ट्रांसफर कर देते हैं मेटेलिक आयन. इफ द सफिशिएंट मोमेंटम इज ट्रांसफर देन द एक्चुअल मेटल आल्सो स्टार्ट द मूविंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एनोड.
because the electron moves towards the atom. अब हमने कहा कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, करंट फ्लो स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो गई, करंट जो चार्ज करंट का फ्लो है इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब करंट फ्लो इंक्रीज करेगा और जितनी स्पीड से फ्लाइट और स्पीड से मूव करेगा वो ज्यादा उतनी स्पीड से फ्लाइट करेगा, फ्लाइट करने के बाद ये मैक्सिमम एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर, और जब एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो जो हमारे पास मेटल आयन के रूप में मूव करेगा और यही हमारा क्या रहता है इलेक्ट्रो माइनस. So due to the electron migration, there is break in the metal along with the accumulation of the metal along with the accumulation of metal towards the direction of the so ab isme kya ho jayega, basically jo carriers honge jo metallic ions honge wo to move karenge wo aur anode ki taraf ja kar jo collect hona start ho jayenge. Ab wahan pe ek chhota sa bundle create ho jata hai, to yahan pe aise dikhaya gaya hai कि अब इसमें क्या होगा, जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो मैक्सिमम जाके कलेक्ट हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा मैग्नेटिक लेयर है वो ब्रेक हो जाएगा, ऐसा कुछ कि यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अब ये क्या होगा एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं सारे मूव करके, यहाँ पे एक्युमुलेशन के लिए भी हमें सिंपल मतलब कि कलेक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन में मूव करके यहाँ पे सब कलेक्ट होने लगे, और जब यहाँ पे सब कलेक्ट होने लगेंगे तो यहाँ पे सिस्टम में ब्रेक. So it is the physical transfer of the metal from one place to another place under the influence of electric field is called electromagnetism. So यही basically जब हम कहते हैं कि जो हम अभी भी electric field apply करते हैं, electric field के case में हमारे पास metal छोड़ते हैं, metal ion का movement हो जाता है in the direction में, तो यही हमारा क्या हो जाता है electromagnetism. The extent of electromagnetism is quantized by delta mean time value. तो हम इसको जो है क्वांटाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं मीन टाइम वैल्यू, मतलब कि हमारा हमने फॉर्मेशन किया है, हमने कॉन्टैक्ट में रिलेशन परफॉर्म किया है, जो पूरा रिलेशन होता है अपने रिलेशन में ये जो है वर्क कर रहा है और कब जाके ये फेल हो रहा है, हाउ लॉन्ग ये डिवाइस टेक बिलो इस मीन टाइम वैल्यू. तो वो बेसिकली उसके डेफिनेशन की बात करना, हाउ लॉन्ग द डिवाइस टेक फेलियर टू, मतलब वो मैंने जैसे पहले कहा कि बेसिकली जब हम मीन टाइम फेलियर की बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा डिवाइस है, कोई सी भी डिवाइस की बात करते हैं, कभी मैं डेफिनेशन की बात नहीं करता कि जो हमारा डिवाइस वो जो पूरा टाइम ड्यूरेशन है कितने टाइम ड्यूरेशन में प्रॉपरली वर्क कर रहा है विदाउट एनी है, तो वही इसमें मीन टाइम फेलियर होगा. तो टाइम क्या है जब इसमें फेलियर जल्दी long how long take failure to occur, kya relation hoga ki jo hamara failure hoga mean time ko is tarah aur the mean time ko is tarah se to ye basically main yahan pe likh raha hu ki ye jo mean time failure hai ye calculate ho jaye na wo ye current density hai aur ye अब अगर हम इसके रिमूव करने की बात करें कैसे हम इसको रिमूव करते हैं, तो उसके बाद हम इसको डिस्कशन कर लेते हैं. द मेटल लेयर इज डिपॉजिटेड इन यूजुअली विद पॉलीक्रिस्टलाइन, जो हम मेटल लेयर डिपॉजिट करेंगे वो पॉलीक्रिस्टलाइन करता है. एल्युमिनियम लेयर इज सो पॉलीक्रिस्टलाइन, एल्युमिनियम लेयर पॉलीक्रिस्टलाइन एज द मेटल लाइन बिकम्स नैरो as the line width decreases the mean temperature increases. हमने कहा कि जब मेटल जो है जो लेयर होगा वो और पतला होता जाएगा तो उससे जो हीट होगी वो हीट होती है जो लाइन की विड्थ होगी डिक्रीज होती चली जाएगी और पूरा मीन टाइम पेयर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा. इट इज बिकॉज द फैक्ट दैट व्हेन द हीट डिक्रीज द एल्युमिनियम टेंड्स टू फॉर्म ए सिंगल क्रिस्टल, क्योंकि जब ऐसा होगा तो विड्थ डिक्रीज हो जाएगी फॉर्मेशन. तो इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द एल्युमिनियम ईथर कि जो इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन यूज हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन के लिए हो रहा है. इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द एल्युमिनियम ईथर, कि जब हम कभी भी इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन की बात करें तो एल्युमिनियम का माइग्रेशन करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे कॉपर का यूज कर लेंगे. इफ
fiz junto da minha primeira editora, o Interior. Estava a galera nessa frente, o Jair Cristian era um dia em 20 anos, o Interior era um dia em 20 anos. Então, como é que eu ia terminar essa frente? Essa mesma.